नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त रविंद्र कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं करण जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं रेलवे भर्ती 2020-22 के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूलिएगा नहीं। RRC NCR प्रयागराज वैकेंसी 2020-22। सो RRC मीन्स रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जहाँ ये वैकेंसीज निकलती हैं। सो उसके अंडर नॉर्थ सेंटर रेलवे का जो एरिया आता है, नॉर्थ सेंटर रेलवे प्रयागराज, वहाँ की ये वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन, ऑफलाइन आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पोस्ट नेम है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। टोटल वैकेंसीज हैं 20-20। सैलरी है 25,000 से 30,000 के बीच में पर मंथ। आई नो आपको लग रहा होगा तो सैलरी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज के टाइम में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। कोरोना के बाद तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, काफ़ी लोगों की जॉब्स गई हैं। सो आप ट्राई कीजिएगा कि ये जॉब्स ये आप अप्लाई करो और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। एज लिमिट होगी आपकी 18 से 33 साल के बीच में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, नॉन क्रीमी लेयर, सो 18 से 36 साल 36 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। लास्ट SC कैटेगरी से या ST कैटेगरी से आप हैं तो 18 साल से 38 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और BSc इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक्स स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस होगा शॉर्टलिस्ट के बेस पर, बिल्कुल सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जो 20 जॉब्स हैं, जो पोस्ट हैं, वो कैसे इन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है अनरिजर्व कैटेगरी है, जो उसमें 8 वैकेंसीज हैं। OBC कैटेगरी में 5 वैकेंसी, EWS कैटेगरी में 2 वैकेंसी, SC कैटेगरी में 3 वैकेंसीज और ST कैटेगरी में 2 वैकेंसीज। इन सब का आप टोटल करोगे तो टोटल बनता है 20। 20 पोस्ट्स इस पोजीशन के लिए निकली हुई हैं। नंबर ऑफ क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एप्लीकेशन फीस भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं या OBC कैटेगरी से आप हैं तो आपको अप्लाई करने के लिए पे करने होंगे 100 रुपीज़, 100 रुपये आपको देने होंगे। लेकिन अगर आप SC ST या EWS या वोमेन हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, बिल्कुल शून्य, जीरो है, ये बहुत अच्छी बात है। जॉब लोकेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी आपका सिलेक्शन, आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, सो कहीं पर भी आपको भेज सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इम्पोर्टेड डेट्स की बात करें तो 8 अप्रैल को ये जॉब्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं दोस्तों, और 18 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी कीजिए, लेट मत होना। 18 अप्रैल के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको वेबसाइट पर जाना है, कैरियर सेक्शन में, वहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं, वो जो कि हर जॉब के लिए होता है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी एज, एड्रेस, नाम, इस तरह टाइप की चीज़ें। फिर आपको एक फोटोग्राफ अपना है, सॉफ्ट कॉपी आप रेडी रखिएगा, सिग्नेचर रेडी रखिएगा, वो आपको अपलोड करना होगा एट द एंड। और अगर कैटेगरी वाइज आपको पेमेंट करनी है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, और आपको फॉर्म सबमिट कर देना, फाइनल फॉर्म सबमिट करने से पहले आप फॉर्म को रिव्यू जरूर कीजिएगा कि कहीं पर कुछ मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ईमेल आईडी कोई मिस्टेक ना हो, मोबाइल नंबर मिस्टेक ना हो। प्लस जो नोटिफिकेशन है, जो इन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है, वो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ भी ऐसा मिस ना हो जाए जिससे कि आपको जॉब में इनमें अप्लाई करने में कुछ इशू क्रिएट हो।
सो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इन जॉब्स के लिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ध्यानपूर्वक उसको पढ़िएगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक भी दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन जो का फॉर्म, वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।